आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो अब हमारा टॉपिक है शॉक वेव्स, जिसका मेन एग्जांपल है सोनिक बूम। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ये शॉक वेव्स जो हैं ये किस रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी में लाई करते हैं, तो ये कौन सी वेव्स होती हैं। तो इसके लिए जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज दैट मूव फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड, जो स्पीड ऑफ साउंड से फास्टर मूव करते हैं सोर्सेज, आर सेट टू हैव सुपरसोनिक स्पीड। तो इन सोर्सेज को क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक स्पीड, क्योंकि इनकी जो स्पीड है साउंड की, बिकॉज दे हैव दे मूव फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड से भी ये फास्टर मूव करते हैं, उन वेव्स को बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। और ये सुपरसोनिक स्पीड किसकी होती है, शॉक वेव्स की। तो अब देखते हैं कि शॉक वेव्स होता क्या है, तो मेन इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन क्या है कि कुछ केसेस में क्या होता है कि जो एनर्जी एमिटेड होती है वो अनेबल टू मूव इन फ्रंट ऑफ अ सोर्स एंड इट्स कंसंट्रेटेड ऑन द साइड, कि जो एनर्जी एमिट होती है वो सोर्स के सामने मूव नहीं कर सकती और कंसंट्रेट हो जाती है साइड्स पे, मीन जो सोर्स है उसके साइड पे इकट्ठी हो जाती है। तो जो कंसंट्रेशन है, दिस कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी एज इट ट्रैवल्स आउटवर्ड इन फॉर्म ऑफ अ कोन शेप्ड वेव, इसको बोलते हैं हम शॉक वेव। तो इसमें क्या होता है, जो ये कंसंट्रेशन एनर्जी की वो ट्रैवल करती है एक कोन की शेप में, तो जो ये कोन शेप्ड वेव है, दिस कोन शेप्ड वेव इज नोन एज शॉक वेव। तो ये तो था हमारा शॉक वेव क्या होता है। अब शॉक वेव में क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ द नेसेसरी थिंग। तो इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो शॉक वेव है, शॉक वेव डज नॉट रिक्वायर एनी वाइब्रेटिंग सोर्स, एनी वाइब्रेटिंग सोर्स ऑफ साउंड इन ऑर्डर टू क्रिएट दैट शॉक वेव। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें वाइब्रेटिंग सोर्स की ज़रूरत है टू प्रोड्यूस द शॉक वेव, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब इसमें था जो शॉक वेव है इसको इक्वल क्या दे रखा है, सोनिक बूम। तो सोनिक बूम जो है वो एक एग्जाम्पल है ऑफ द शॉक वेव। तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा शॉक वेव का, दैट इज सोनिक बूम। तो अब देखते हैं कि सोनिक बूम क्या होता है। सोनिक बूम, तो जो सोनिक बूम क्या है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ शॉक वेव जो प्रोड्यूस होता है बाय सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट कौन से होते हैं, जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ द साउंड वेव। तो जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें हमारा सोनिक बूम यूज़ होता है। तो इसकी क्या है कि जो सोनिक बूम है इसकी आवाज़ हमें ऑब्जर्वर जो है जो ग्राउंड पे एट रेस्ट पोजिशन, मीन्स वो मूव नहीं कर रहा, उसको क्लियरली विजिबल, क्लियरली हर्ड होती है, सुनाई देती है कि जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट कोई एयरक्राफ्ट है जो हम एयर में जा रहा है, क्योंकि जो उसकी साउंड होती है, स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स सुपरसोनिक स्पीड होती है। तो दीज आर दी शॉक वेव्स और उसका एक एग्जाम्पल दैट इज सोनिक बूम। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।